आरटीओ कर आणि शुल्कात झालेल्या वाढीच्या निषेधार्थ वाहन मालक चालक संघटनांच्या एका शिष्टमंडळानं प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं आहे. मराठवाडा टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष मनमोहन सिंग ओबेराय यांच्या नेतृत्वाखाली वाहन चालक मालक संघटनांच्या शिष्टमंडळांनी आरटीओला निवेदन दिलं. शासनाच्या शुल्क वाढीच्या निर्णयामुळे वाहन चालक मालक आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत आणि त्यांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतंय. त्यामुळे शुल्क वाढीच्या निर्णयावर फेरविचार करावा यासाठी परिवहन आयुक्त यांच्या नावानं एक निवेदन आरटीओ कडे देण्यात आलं. या शिष्टमंडळात अब्दुल रशीद, मोहम्मद बशीर, निसार खान, बुद्धिनाथ बराड, वायफ खान, अजमत खान, शेख खलील आणि शहरातील सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होते. और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो हम इस बात से 15 दिन का टाइम दिए हैं. उनका जवाब आते ही हम बड़े पैमाने पे नहीं तो आंदोलन करेंगे और शासन को कम करने का जो है वो कराए बगैर हम उनको छोड़ेंगे नहीं. आज ये मसले के ऊपर हजारों गोर गरीब लोगों का पेट भरता है और हम जो है जो फीस बढ़ाते जा रहे हैं सबसे ज़्यादा जो इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को और महाराष्ट्र शासन को है वो हम ही लोगों से है. हमारा डायरेक्ट टैक्स कट जाता है पेट्रोल में, डीजल में, स्पेयर पार्ट्स में, ट्रांसपोर्ट के जितने भी फीसेज है ये सारे फीसेज जो है हम भरने के बाद सब में ज़्यादा रेवेन्यू हमारे से ही सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्ट होता है. और अगर ऐसा सरकार और हम पे बोझा लादेंगी तो हम उसका विरोध करेंगे.